जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लुधियाना के साथ साथ रवनीत सिंह बिट्टू की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यह बधाई अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा खड़ी की जा रही है। मनीष तिवारी व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी पवन दीवान ने एक दिन पहले लुधियाना संसदीय सीट से दावा ठोका था। उसके बाद अब लुधियाना से 6 बार के कांग्रेस विधायक राकेश पांडे ने भी टिकट के लिए दावेदारी जताई। सामने नहीं, इस चीज कोई लुका नहीं है। लोकसभा के चूंकि इलेक्शन का बिगुल एक तरह नाल कह लो बज चुका है, टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया चूंकि समा सिर से है। और मैं सोचा कि इस बार अपनी पार्टी अपनी रिक्वेस्ट करनी चाहिए है। इन्ने लंबे समय तो मैं असैम्बली दे विच पार्टी का काम कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहा है, इस करके मैं इस दफा पार्लीमेंट वास्ते भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की। पार्टी को उसे पंजाब कांग्रेस भवन पेपर दे के आए हो पेपर सबमिट करते जी। हाँ जी पेपर सबमिट करते। देखिए गल करिए कितने ना कितने किस किस अगर तुम विधायक तो हम तुम सांसद के आने तो किस किस तरह दुनौतियां रहनगियां जिड़िया अधूरियां हजे है सांसद बिट्टू के होंगे जी पूरी नहीं हो पाई चुनौतियां दसो की काम के वही काम तो डिवेलपमेंट के काम साढ़े पेंडिंग ने लुधियाना शहर के क्योंकि बहुत सारे एरिए है जिसे कि कोई भी गवर्नमेंट जिहड़ी भी रही हैगी है वो अपने समय चाहे एम पी चाहे असैम्बली दे विच अपने समय दे विच मैंबर साहबान पूरी तरह नाल मैं समझदा कि उत्थे नहीं पहुँच सके। पर मेरी कोशिश होगी कि उन्होंने अधूरे पे कामों नूं पहलां पूरे करके बाकी दियां रहिंदियां सहूलतां नवें काम जो है ने वो लोगों तक फिर पहुँचा सके।